What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 25 फरवरी 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:22 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा है वीक की शुरुआत काफ़ी नेगेटिव रही, करीब 250 पॉइंट निफ्टी इंडेक्स में हमें गिरावट देखने को मिली। हालांकि ये गिरावट सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस के वजह से, जो टेंशन दुनिया भर में बढ़ रहे हैं उसके वजह से यहाँ पर दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट देखे इंडिया की तो काफ़ी सारे स्टेप्स ले रही है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, लेकिन जो ग्लोबल रीजंस है उसके कारण इंडियन मार्केट्स में भी हमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस अभी यूरोप में भी पहुंच गया, तो इसका असर पूरी दुनिया भर में दिखाई दे रहा है। पहले तो चाइना तक ये इंटैक्ट था, अभी इसके बाहर अगर आता है तो ट्रैवल एंड टूरिज्म पे भी इसका काफ़ी असर पड़ेगा। टूरिज्म एक ऐसा इंडस्ट्री है कि इसके ऊपर अगर कोई भी टेंशन्स हमें दिखाई देते तो उसका असर बाकी के छोटे छोटे बिजनेस के ऊपर भी गिरता है, तो इसका सीधा असर उस कंट्री के इकोनॉमी पे गिरता है। तो इसके वजह से काफ़ी दुनिया भर में कल टेंशन्स देखने को मिले, दुनिया भर के बाजार में प्रेशर देखने को मिला। तो कल ये जो गिरावट आई थी उसके बाद आज क्या रिकवरी होगी, क्या निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 24 फेब आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,041। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन हुआ, तो हमारा सेकेंड टारगेट के काफ़ी नीचे ये ओपन हुआ। तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता एज़ पर हमारा ये जो प्री मार्केट प्लान था, इसके अकॉर्डिंग तो कोई प्लान नहीं बनता। और उसके बाद ये जो फर्स्ट कैंडल बना था इसके अंदर ही काफ़ी देर तक ये ट्रेड हो रहा था, एक स्लगिश पैटर्न देखने को मिल रहा था। और करीब 1:30 बजे यूरोप का जो सेंटिमेंट्स था यूरोपियन मार्केट्स का, कि वहाँ पर अभी कोरोना वायरस का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो वो मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो जैसे ही वहाँ पर यूरोप के मार्केट शुरू है और वहाँ पर भी हमें देखा साफ तौर पर प्रेशर बना हुआ है, तो इंडियन मार्केट्स में भी और भी ज़बरदस्त एक फॉल देखने को मिला उसके बाद। तो लाइव मार्केट में ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलना और देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो हमारे कल के प्ली मार्केट प्लान के अकॉर्डिंग तो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं बन रही थी। तो ये था कल के एनालिसिस का एक रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अगर जैसे कि हमने टेलीग्राम चैनल पे भी जो स्क्रीनशॉट था यूएस मार्केट का लाइव सेशन में, उसका स्क्रीनशॉट भेजा था। करीब यूएस मार्केट देखे तो डाउ जोन्स 1000 पॉइंट कल गिरावट दिखा रहा था, नासडैक 355 पॉइंट्स के गिरावट के साथ बंदा। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो ज़बरदस्त वहाँ पर प्रेशर देखने को मिला, 200+ पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, चाहे फ्रांस मार्केट में, जर्मन मार्केट में, लंदन मार्केट में। एशियाई बाजार आज जब खुले तो SGX निफ्टी एक पॉजिटिव रिकवरी दिखा रहा है, 70 पॉइंट्स यहाँ पर अपसाइड दिखा रहा है। हालांकि जापानीज इंडेक्स 700 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। चाइना मार्केट देखे तो वहाँ पर भी अभी प्रेशर दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर को देखे इस समय तो अभी रिकवरी की कोशिश यहाँ पर दिखाई दे रही है, 187 पॉइंट की बढ़त इस समय देखने को मिल रही है। हालांकि कल जो एक्सट्रीम फॉल आया था उसके बाद ये रिकवरी आना लाजमी है, तो रिकवरी आने के बाद जो लास्ट स्विंग हाई बना है वो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ से फिर से एक बार अपसाइड बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि ये रिकवरी है, कंप्लीट अप ट्रेंड अभी यहाँ से आने के लिए जो टेक्निकल लेवल्स है वो कौन से टेक्निकल लेवल्स को ब्रेक करना होगा ये देखते हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। कल इसने 20 EMA को ब्रेक करके नीचे क्लोज दिया है। हालांकि ये वीकली चार्ट है, अभी तक वीक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये 20 EMA के नीचे अगर सस्टेन रहता है तो निफ्टी इंडेक्स यहाँ से और भी टूवर्ड साउथ की तरफ ये फॉल दिखा सकता है। अगर इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पर ये स्विंग लो बनेगा और ये स्विंग हाई बनेगा। तो अभी यहाँ से मार्केट ऐसे डायरेक्शन में चलता है डाउन ट्रेंड में, और फिर अप ट्रेंड में इस ऐसे पैटर्न में ये ट्रेड होता है। तो अभी अगर यहाँ से ये स्विंग हाई को ब्रेक करता है, ये स्विंग हाई को ब्रेक करता है और कम्प्लीटली इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो ही यहाँ से अपसाइड बाउंस हमें देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये जो स्विंग लो बना है इसको अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ अगर ब्रेक करता है
तो हमें यहाँ से कम्प्लीटली फिर से एक बार प्रेशर निफ्टी इंडेक्स में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर सपोर्ट जो है ये 50% का 11,760 के पास है। उसके बाद जहाँ से इसने 2 वीक पहले एक बाउंस बैक दिखाया था बजट के बाद 11,600, वो फिर से एक बार मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है। 20 EMA के ऊपर इस वीक में क्लोज होता है तो चांसेस होंगे कि यहाँ से फिर से एक बार फिर से अपसाइड बाउंस हमें देखने को मिले। तो वीकली चार्ट में अभी पैटर्न फिलहाल देखें तो डाउन ट्रेंड का पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन स्विंग हाई को अगर ब्रेक करता है तो फिर से यहाँ पर हमें अपसाइड बाउंस की उम्मीद दिखाई दे सकती है। तो यह था वीकली चार्ट का सिनेरियो। डेली चार्ट पर चलते हैं। यह डेली चार्ट, डेली चार्ट को अगर आपने कल ध्यान से देखा होगा, अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये है राइट शोल्डर, और इसके नेक लाइन का भी इसने ब्रेकडाउन यहाँ पर दे दिया, और उसके बाद और भी ज़बरदस्त फॉल हमें यहाँ पर दिखाई दिया। तो ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है, पैटर्न होता है, बुलिश टू बेयरिश पैटर्न होता है ये ट्रेंड रिवर्सल का। तो यहाँ पर ये पैटर्न बनने के बाद और भी हमें यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। तो अभी फिलहाल एज पर डेली चार्ट यहाँ पर भी देखें आप, तो ये जो यहाँ से ये इस लेवल के पास से जो बाउंस बैक आया है 11,600, ये मेजर सपोर्ट है यहाँ पर। अगर 11,600 के नीचे चला जाता है तो निफ्टी में और भी प्रेशर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर आते वक्त 100 EMA यहाँ पर थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है 11,900 के पास, जहाँ पर इसने 2 दिन पहले बाउंस बैक दिखाया था। तो अभी जो सपोर्ट का काम कर रहा था वो अभी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 11,900 ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इसके ऊपर अगर सस्टेनेबल मूव आता है तो चांसेस होंगे कि निफ्टी इंडेक्स फिर से हमें बाउंस बैक दिखाए। तो डेली और वीकली चार्ट का हमने सिनारियो देख लिया। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। 60 मिनट के चार्ट में अगर हम RSI को एनालिसिस करें तो अभी ये ओवरसोल्ड जोन में चला गया। ये ओवरसोल्ड जोन जहाँ पर ये 30 के लेवल के नीचे चला जाता है तो हमें प्राइस एक्शन में एक ऊपर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये 30 के पास आता है तो ऊपर प्राइस एक्शन में हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पर अभी फिर से ये ओवरसोल्ड जोन में चला गया, तो हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिले। और अगर हम इसका फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर एक ये जो है स्विंग लो हाई यहाँ पर क्रिएट हुआ था, तो अगर हम इसको पकड़ के अगर फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को ड्रॉ करें, ये हाई, ये लो और ये हाई, तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट आर में 61.8% को ये कंटिन्यूस सपोर्ट टेस्ट कर रहा था, ये हर्डल बना था। यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करके ये बाउंस बैक दिखा सकता था, लेकिन यूरोप जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो ये लेवल को भी ब्रेक करने के बाद एग्जैक्ट 100% का लेवल इसने कल अचीव किया। 11,813 कल का लो था, तो यहाँ पर इसने ये लेवल्स भी अभी अचीव कर लिया है। हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक आए, लेकिन ये कंटिन्यू अपसाइड दिखाएगा कब, जब ये लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो ही यहाँ से हम अपसाइड मूव कंटिन्यू हो सकता है ऐसा कह सकते हैं। अभी फिलहाल जो प्रेशर है मार्केट में वो कंटिन्यू हमें होते हुए दिखाई दे सकता है, ये रिकवरी फेज़ है। तो आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं, अगर ये कल के ये जो लास्ट बियरिश कैंडलस्टिक है इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं। यानी 11,871 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, यहाँ पर 11,868 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 11,885, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,907, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर गैप अप ओपन होता है थोड़ा सा और पिवट पॉइंट के ऊपर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए फिर बाय पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज एक्सट्रीम गैप अप ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करें, काफ़ी मुश्किल होता है गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के बाद ट्रेड करना, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स उसके लिए होना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो कल का लो ब्रेक होने दीजिए, यानी
11,812 के नीचे ये चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,788, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,758, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें आपके दोस्तों के साथ भी, इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।